हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्वाद की कढ़ाई पे। तो आज हम घंटों का काम इंडो में करने वाले हैं, तो आइए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। यहाँ पर हमने प्याज लिया है और लहसुन लिया है। अब हम क्या करेंगे, प्याज लहसुन को एक पॉलीथीन में रख लेंगे और एक बेलन की सहायता से उसे हम धीरे धीरे कूट लेंगे, क्योंकि हमें इसे पीसना नहीं था, बारीक नहीं करना था, इसीलिए हम बेलन की सहायता से इसे कूट लेंगे। अगर आपके पास मिक्सी नहीं है तब भी ये काम आपका चल जाएगा। इसे और हमने अच्छे से कूट लिया है, इसे हम निकाल कर एक प्लेट में रख लेंगे। तो जैसा हमें चाहिए था वैसा हो गया है मेरा प्याज और लहसुन। अब हम चलते हैं दूसरी प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर हमने मटन लिया हुआ है, मटन को हमने अच्छे से धोकर लिया हुआ है, ये अच्छी क्वालिटी का और ताज़ा मटन है। तो इसमें हम हल्दी मिलाएंगे और धनिया पाउडर मिलाएंगे, हल्दी से बहुत अच्छा कलर आता है। तो यहाँ पर हमने 3 चम्मच धनिया मिलाया हुआ है, लाल मिर्च पाउडर मिला देंगे, तीखा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब हम प्याज को मिला देंगे। यहाँ पर पकाने का झंझट ख़त्म, प्याज और लहसुन को एक साथ मीट में मिला दें और अच्छे से मिक्स कर दें। हमने एक टुकड़ा अदरक का लिया हुआ है, इसे हम इसी में घिस देंगे। आप चाहें तो इसे पीस कर डाल सकते हैं या फिर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें, उसे भी डाल सकते हैं। इस तरह से बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। और जो ऑफिस जाते हैं या अकेले रहते हैं उनके लिए बहुत ही ईजी रेसिपी है। तो यहाँ पर हमने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, तेज़पत्ता लिया है, दालचीनी ली है, चक्रफूल आधा लिया है, इलायची ली है, हरी मिर्च, लाल मिर्च, लौंग ली है, काली मिर्च और एक खड़ी जो है खड़ी इलायची काली वाली उसे हमने लिया है। तेल हमारा गर्म हो गया है तो हम सारे मसालों को डाल देंगे और हरी मिर्च को जो है हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। आप चाहें तो खड़ी ऐसे भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो इन्हें ऐसे भी डाल सकते हैं। सारे मसाले जो है तेल में हम अच्छे से पका लेंगे, जिससे कि सारे मसालों की खुशबू जो है अच्छे से तेल में मिक्स हो जाए। तेल हमारा अच्छे से पक चुका है, सारे मसाले भी अच्छे से पक चुके हैं। तो हमने जो मिला हुआ मटन रखा था उसे हम डाल देंगे। इस तरह से बना हुआ मीट जो है बहुत अच्छा बनकर तैयार होता है और बहुत जल्दी बन जाता है। तो एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करें। अब ना तो आपको मिक्स करना है ना तो आपको चलाना है, अब आपको कुछ भी नहीं करना है। इसमें हम डाल देंगे 1 गिलास पानी और डाल देंगे नमक। नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आप जितना जो पसंद करते हैं।
हमने एक गिलास पानी भी डाल दिया है, इसमें हमने टमाटर भी नहीं डाला है और गरम मसाला हमने अभी नहीं डाला है। तो ढक्कन लगाकर हम इसमें 6-7 सीटी आने देंगे। अगर मटन आपका अच्छी क्वालिटी का है तो उसमें सीटी कम लगेंगी। और यहाँ पर हमने गरम मसाले के लिए जीरा लिया है, खसखस ली है, हरी इलायची, जावित्री, धनिया और काली मिर्च। तो इन सारी चीज़ों को हम हल्का सा रोस्ट कर लिया है और रोस्ट करने के बाद हमने पाउडर बना लिया है। तो अब हम इसे चेक करेंगे और ये देखिए सारा प्याज जो था वो गल चुका है। मटन भी अच्छे से गल चुका है और कलर भी अच्छा आया हुआ है। और अब इसमें हम वो मसाले मिला देंगे, गरम मसाले जो हमने बनाकर तैयार करके रखे हुए थे उसे मिलाएंगे। अभी इसका कलर जो है चेंज होगा, इसमें हम 2 सीटियां और लगाएंगे। इसमें आप कोई स्मेल नहीं आएगी, कुछ भी नहीं आएगा, इतना अच्छा ही बनकर तैयार होता है और कुछ ही समय में। और हमने इसमें पानी भी नहीं डाला है, केवल 1 गिलास पानी डाला है बस, उसी में बनकर रेडी हो गया है। 2 सीटियां हम और लगाई है और ये देखिए ना प्याज पकाने का झंझट, ना लहसुन पकाने का झंझट, ना पीसने का झंझट, सब खत्म। इतना अच्छा बनकर तैयार हुआ है मटन हमारा। अब हम इसमें डाल देंगे कुछ हरी पत्तियां, धनिया की कटी हुई, और मिक्स कर देंगे। ये रेसिपी बहुत आसान है। हमने ढक्कन लगा दिया था, हल्का सा ठंडा हुआ है, अब हम इसे चेक करेंगे, सर्व कर लेते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम दिखाएंगे आपको, ये गलकर तैयार हो गया है क्योंकि गर्म भी है, अभी पूरी तरह से ठंडा नहीं है, तो कितना लाजवाब लग रहा है देखने में। ये देखिए पूरी तरह से गल चुका है, गर्म है, ये भी नहीं छू सकते हाथ से, इसलिए चम्मच से करेंगे। ये देखिए